फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इजी एंड क्विक रेस्टोरेंट स्टाइल फोर टाइप की चटनी की रेसिपी, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और यह कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं चटनी की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर यू क्रिएशंस। सबसे पहले हम बनाएंगे दही वाले हरे धनिया की चटनी, जिसके लिए यहाँ मैंने कुछ हरा धनिया लिया है जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक ब्लेंडिंग जार में हम हरे धनिया को ऐड करेंगे, कुछ अदरक के टुकड़े को ऐड करेंगे, 2 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच ताज़ा दही ऐड करेंगे। दही अभी हमें थोड़ा ही ऐड करना है, अभी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमारा अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है। अभी हम इसमें 2 बड़े चम्मच और दही ऐड करेंगे। अगर हम इसमें एक साथ दही ऐड कर देते तो अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हो पाती। ज़रूरत के अकॉर्डिंग दही कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल कर्ड वाली चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसको एंजॉय कीजिए लंच में, डिनर में, पकौड़ों के साथ या जिस भी चीज़ के साथ आप चटनी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रेसिपी देखते हैं कोकोनट चटनी की। नारियल की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1/2 फ्रेश नारियल, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसका ब्राउन वाला पार्ट भी हटा सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 50 ग्राम भुने हुए चने ऐड करेंगे। चने का फ्लेवर इस चटनी में बहुत ही टेस्टी लगता है। 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे और 3 बड़े चम्मच इसमें ताज़ा दही ऐड करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कोकोनट चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसकी थिकनेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म हो जाने पर 1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने ऐड करेंगे। सरसों के दाने जब चटक जाएंगे तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ऑयल हमारा वैसे ही बहुत तेज़ है। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और 8 से 10 करी पत्ते ऐड करेंगे और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। तड़का हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको चटनी पर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी कोकोनट चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए डोसे के साथ, सांभर के साथ या जिस भी चीज़ के साथ इसे आप खाना पसंद करते हैं। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट चटनी, जो है टमाटो गार्लिक चटनी, जिसे हम मोमोज की चटनी भी कहते हैं। ये मोमोज के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। टमाटो गार्लिक चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 4 टमाटर, कुछ अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 10 से 12 लाल सूखी मिर्ची। अब हम सभी टमाटर के ऊपर क्रॉस का निशान लगा देंगे, जिससे कि जब हम इन्हें बॉईल करेंगे इसकी स्किन आसानी से निकल सके। अब हम एक सॉस पैन लेंगे। सॉस पैन में हम टमाटर को और हरी मिर्ची को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। 1/2 कप पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। 5 मिनट बाद टमाटर बॉयल हो गए हैं, टमाटर की स्किन अलग हो गई है। बस अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और टमाटर और मिर्ची को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। इतना हम अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करते हैं, जिसके लिए ब्लेंडिंग जार में हम अदरक और लहसुन को ऐड करेंगे और ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
अदरक लहसुन का पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। टमाटर हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, अब हम इसके ऊपर की स्किन को निकाल देंगे और साथ में जो टमाटर के ऊपर ब्लैक वाला पार्ट होता है हम उसको भी एक नाइफ की हेल्प से निकाल देंगे। टमाटर और मिर्ची बिल्कुल तैयार है, अब हम एक ब्लेंडिंग जार में इनको ऐड करेंगे और इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे मोमोज की रेसिपी भी शेयर करी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी, आप वहाँ जा करके उस रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद उसमें तैयार किया हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए जिससे कि जो लहसुन की कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। ये देखिए पेस्ट हमारा अच्छे से भुन गया है, इसने ऑयल भी अलग कर दिया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। बस अब हम इसमें तैयार किए हुए टमाटर की प्यूरी को ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, यहाँ मैंने ब्लेंडिंग जार को धो करके ही उसका पानी ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच अजीनोमोटो ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। स्वाद अनुसार सादा नमक ऐड करेंगे। नमक को मिक्स करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप सभी लोगों के साथ इंस्टेंट डोसे की रेसिपी भी शेयर करी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। 5 मिनट बाद ये देखिए चटनी हमारी अच्छे से कुक हो गई है, इसने ऑयल भी अलग कर दिया है। आधा छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे, चीनी से टमाटर का खट्टापन का बैलेंस बना रहता है और इससे चटनी का जो टेस्ट होता है वो भी इनहेंस होता है। आप चीनी को मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए चटनी को पकने देंगे। ये देखिए चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसकी थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चटनी को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप ये स्पाइसी टमाटो गार्लिक चटनी को इंजॉय कीजिए मोमोज के साथ, मुगलेट के साथ, डोसे के साथ या जिस भी चीज़ के साथ आप इसे खाना पसंद करते हैं, आप उसके साथ इस चटनी को इंजॉय कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बनाते हैं अपनी नेक्स्ट इमली की चटनी। इमली की चटनी फ्रेंड्स, कितनी बार लोगों की शिकायत होती है कि उनकी ख़राब हो जाती है या बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद कभी भी ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमारी चटनी ख़राब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी जल्दी से रेसिपी। यहाँ मैंने लिए है 50 ग्राम इमली जिसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इंस्टेंट दही बल्लों की रेसिपी भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है जो इस इमली की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी, आप वहां जा करके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। वॉश करने के बाद इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें 1.5 कप पानी ऐड करके इसको 2 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ देंगे जिससे कि इमली अच्छे से फूल जाए। 2 घंटे बाद इमली अच्छे से फूल गई है, अब हम इसका जितना भी खट्टापन या जो पल्प है उसको पानी में निकाल लेंगे और एक छन्नी में लेकर के इसको सारा पल्प छान लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे उसमें और दबा दबा करके इमली का जितना भी पल्प में से जो खट्टा पानी निकलता है वो हम निकाल लेंगे और जो इसका जो ये बीज रह जाएंगे उसको हम अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप इसे किस चीज़ के साथ इंजॉय करते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इमली के पानी को हम एक साइड रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 पिंच हींग ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है जब तक कि उसका कलर ब्लैक ना पड़ जाए। जीरा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें तैयार किया हुआ इमली का पानी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे।
और इसमें अब हम एक छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच सफ़ेद नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें एक बड़ा कप चीनी ऐड करेंगे और साथ में 50 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। चीनी या गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है या आप नहीं खाते हैं तो आप खाली चीनी से भी इस चटनी को बना सकते हैं या खाली गुड़ से भी, आप किसी भी एक चीज़ से इस चटनी को बना सकते हैं। अब लगातार चलाते हुए इसे गुड़ और चीनी के घुलने तक पका लेंगे। गुड़ और चीनी अच्छे से घुल गए हैं, अब हम इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप मिर्ची खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर चटनी को अच्छे से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप इस चटनी को 10 से 12 महीने तक के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसका पकाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चटनी जितनी ज़्यादा पकेगी इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और चटनी में कितना अच्छे से बॉयल आ गया है और चटनी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चटनी को कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। फ्रेंड्स, आप इस चटनी को एक महीने के लिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि उसमें गीली चम्मच ना लगे, तो आप देखेंगे कि आपकी चटनी बिल्कुल भी एक साल तक ख़राब नहीं होगी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए दही बल्ले के साथ, राज कचौड़ी के साथ, परांठे के साथ, बर्गर के साथ या जिस भी चीज़ के साथ आपको ये खाना पसंद आती है आप उसके साथ इसे एंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।